नमस्कार दोस्तों, मेरे पास फिर से नीट 2021 के मेरे दो दांतने बेटे बैठे हैं। आप हैं लोकेश कुमावत, आपका स्कोर है 677.50। जयपुर से आप हैं, आप राठौड़ है, डीडवाना से हैं, आपका स्कोर बेटा 665 है। आपके दरोसा हैं, पिताजी हैं, मम्मी हैं और आपके मामोसा हैं, और आप आपके पिताजी हैं बच्चे के, आप मामा हैं और आप मदर हैं, आप बेटा इसके भाई हैं। तो ये पूरा परिवार आप डीडवाना से, नागौर से हैं, आप 50 जयपुर से हैं। दोनों बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा है, दोनों 3000 रेंज में आए हैं। मैं सीधा सीधा माइक लेके चलता हूँ प्रिंस के दादाजी के पास। आप खुद रिटायर्ड लेक्चर रहे हैं, आपका मेरा काफी चर्चा हुई कई बातों पे हमारी, मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। मेरे चैम्बर में कई बार आपसे मेरी मुलाकात हुई। वास्तव में शिक्षक जो है वो बहुत कुछ सिखाता है। मैं बड़ा आभारी हूँ सर, आपकी मीटिंग में मुझे हमेशा पॉजिटिविटी थी। तो प्रिंस के दादाजी मोहन सिंह जी राठौड़ साहब, आपको कैसा लगा तीन सिंह जी, बताइए। आप खड़े होकर बोलते टीचर क्या बात है, टीचर क्या बात है। समय की रेत पर कदमों के निशान यूं ही नहीं बनते हैं, कठोर मेहनत, पक्का इरादा और मन में एक लगन से एक बच्चा आगे बढ़ता है। खुशी मिली इतनी कि दिल में नहीं समा गई। सीएलसी जो ये संस्थान है, भारत में मशहूर सीएलसी शब्द के नाम आ रहा है, तो इसकी पहचान जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं बॉस श्रवण जी कड़वा, आपने जो वट वृक्ष लगाया वो चारों तरफ भारत में फलीभूत हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है। इनकी टीम के अनिल जी शर्मा, ओम जी गोदारा और श्री राम जी और इनकी पूरी टीम, जब भी मैं आया पूरे विद्यार्थियों के बारे में पूरी बात बताते थे। मैं उत्कृष्ट शिक्षक की भूमिका जन सेवा के लिए सम्मानित हूँ 3 बार, और उस समय जो खुशी मिली उससे भी ज़्यादा खुशी आज मुझे इसलिए मिल रही है कि यहाँ पर बच्चियों के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, जो खुशहाली का प्रतीक है, जो सीएलसी की खुशहाली का प्रतीक है। सीएलसी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं, और आगे बढ़ेगी। प्रगति को यहाँ पर अवसर मिला, उम्मीदों को फल, और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। खेलते हुए बच्चे और खिलते फूल सबको अच्छे लगते हैं, और मैं तो शिक्षक रहा हूँ और निरंतर एक फौजी का लड़का और वायुसेना का पिता हूँ, और तीनों जो पुत्र वधु है ये एमए थी, इनको बीएड कराया। मेरा पूरा परिवार बीएड तो ही, एमएड भी है, डबल एमए है, पीजीडीसीए साथ में है। मैं एक ही लड़का हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और ये मेरा सबसे बड़ा पोता, जिसने कड़वा साहब के निर्देशन में, मैंने कोई कोचिंग सेंटर नहीं देखा, सीधे हम यहाँ सीएलसी आए थे, और सीएलसी की ये देन है जो आज डॉक्टर के लिए अग्रसर हो रहा है। मैं सीएलसी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और आप सब बच्चों के लिए खुशियाँ रहे, आप जहाँ भी रहें। मैं इसमें ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप सलामत रहें। जय हिंद, जय भारत। साहब, आप हैं एक शिक्षक दादा और आपका पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, सब आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, दूसरी बात आपका बच्चा, आपका पोता छावड़ा ही है। अब मैं सीधा लेके चलता हूँ आप हमारे मेरे पास, मेरा दूसरा बच्चा जो कुमाऊँ बैठा है, बचाऊंगा 50 से है, आपके पिताजी क्या कहते हैं सर, आप बताएं, कुछ बोल दो। जय सी एल जी, मैं बहुत बहुत खुशी हूँ, आज मेरा बेटा यहीं से डॉक्टर बनने जा रहा है। थैंक यू। ये एक परिवार है, मैं चाहूंगा प्रिंस के पापा कुछ बोले। जलसिंह जी, सर्वप्रथम मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहूंगा, प्रिंस के सिलेक्शन में जो सीएलसी परिवार का जो सहयोग है उसके लिए सबका आभार। सबसे जरूरी है शिक्षा, सुरक्षा और संस्कार के साथ साथ आपका किसी भी संस्था के प्रति विश्वास, और उसी विश्वास को कायम रखते हुए हमने अभी प्रिंस की छोटी सिस्टर को अभी 11th क्लास में एडमिशन दिला दिया है।
और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों की सफलता के लिए आपको नियमित रूप से लंबी मेहनत करनी पड़ती है। अपन जब कभी वेट करते हैं कि बच्चे को सीनियर करवाने के बाद में भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो आप जो भी टारगेट और लक्ष्य रखें अपने बच्चों के लिए, बच्चों से बात करें और बच्चे जो कहते हैं उसी के अनुसार आप बच्चों को आज की जो परंपरा चल रही है उसके अनुसार फाउंडेशन जो क्लासेज है उसमें आप डालेंगे तो बच्चों को जल्दी ही सफलता मिलेगी। इसी विश्वास के साथ आभार श्रवण जी सर का, धन्यवाद सर। थैंक यू। इधर चलो बेटा, तो आप बोले उसके बाद उसको बुलाएंगे। आप बोले बेटा। हेलो, मेरा नाम लोकेश माउत है। जैसे कि प्रिंस भैया के दादाजी की सफलता का रोल उनके दादाजी का है, मेरी भी सफलता के पीछे मेरे दादाजी का ही रोल है। उन्होंने मुझे सफल किया है, उन्हीं की मैं सफलता मानता हूँ। मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं उन्हें भी अपने साथ लाऊंगा उस दिन, लेकिन वो मेरे यहाँ और कोई बात नहीं। ये संस्कार है साथ में तो बच्चों के साथ इतना दादा से प्यार शुरू करते आज के ज़माने में। जब मैं बहुत छोटा था, सिक्स क्लास में, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था। मेरे दादाजी ने मुझे पढ़ना सिखाया, उन्हीं की बदौलत में यहाँ हूँ, लेकिन वो आज यहाँ नहीं रहे, मुझे बहुत दुख है उनका। अरे ऐसे घबरा मत, वो ऊपर देख रहे, चिंता मत। देखो दोस्तों, ये सीएलसी में इस तरह के बच्चे होते हैं। आजकल दो बच्चे होते हैं, पति पत्नी होते हैं, शहर में तो पूछो कि घर में कितने लोग हैं, वो कहते हैं चार लोग हैं। अरे भूल जाओ, तुम्हें जिन्हें पैदा किया उनको किसने पैदा कर रखा, वो भी परिवार में होते हैं भाई यार। एक बार ताले उस बच्चे को प्राप्त करके, ये संस्कार है, ये सफलता है, ये दादा के नाम आपकी सफलता समर्पित है। बिल्कुल समझ आ गया बात का यार। तो ये एक परिवार है, शिक्षित परिवार, और दोस्तों यही परिवार चाहिए मैं तो, ऐसे बच्चे चाहिए मैं। और अब दादा के नाम के उन्होंने मुझे हॉस्पिटल, तब उनको जिंदा रहेगा, उनका नाम जिंदा रहेगा। मेरे बाबा बात करता, मेरे गुरु जी बात करते थे कि लोग कहते हैं कि आदमी कितने साल जिया, लोग जब तक जिंदा है तब तक जिंदा मानते। मेरे बाबा कहते हैं कि आपके मरने के बाद कितने समय तक लोग आपका नाम लेते हैं वो जिंदगी होती है। तो तेतु दे दादा को अगले 100 साल जिंदा और कर दे उनके नाम के परिवार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रिंस का स्पीच बीच में रह गया, प्रिंस की बात है, प्रिंस की बात रखिए बेटा। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, जय सी एल सी। मैं नागौर डीडवाना का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 12th अपने होम टाउन से कंप्लीट की थी, उसके बाद में मैं सीएलसी आया। मेरा लास्ट ईयर का स्कोर 566 था और 38,000 के अप्रोक्स मेरी रैंक थी। उसके बाद में मैंने बॉस से काउंसलिंग करी, बॉस ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और अनिल जी सर हैं उन्होंने भी मुझे कॉल के थ्रू या फिर पर्सनल मीटिंग के थ्रू मुझे हमेशा मोटिवेट करा, उन्हीं की ये देन है। और खासकर मैं कोट करना चाहूँगा तो यूट्यूब पर सर ने सीरीज चालू की थी गुरु नीति, उसी की वजह से मेरा जो स्कोर है वो बिल्डअप हो पाया। और फिजिक्स में भी मैं थोड़ा सा कमज़ोर था, उसी के थ्रू मैंने फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करी। बस थैंक यू। ये गुरुनीति की बात जो बच्चा कह रहा है ये बहुत गलत चीज है। हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट एक इतना अच्छा मेटेरियल पड़ा है कि उस मेटेरियल को बच्चा देख लेता है ना। मैं कहता हूँ कोचिंग में बहुत, मैं कोचिंग चलाता हूँ, मैं चाहता हूँ कमर्शियल कोचिंग रन करता हूँ, उसके बाद भी कह रहा हूँ गुरुनीति फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा यूट्यूब पे, कोई बच्चा उसको देख लेना तो भी साफ रिजल्ट हो सकता नीट का। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोनों प्यारे बच्चों को दोनों, एक दादा के पास बैठे हुए, एक दादा की याद में बैठा है, ये संस्कार है। तो भाई देखा आप दोनों एक साथ मंच जाएंगे, ये देखो भगवान अपना भी लगता है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।